हेलो फ्रेंड्स, मैं मीरा सिंह, लाइफ ऑफ प्लांट चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सब देखे मेरे नीचे का गार्डन जो है उसका ओवरलुक कि कैसा लग रहा है। अभी मैं इसकी सिंचाई की हूँ तो सोची कि क्यों नहीं आप सबों के साथ ये एक वीडियो बना दूं ताकि आप सब देख पाए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये प्लांट काफी खूबसूरत लग रहा है। गर्मी में इन सबको कैसे बचा के रखी हूँ, हर बड़े प्लांट के बीच में एक छोटा प्लांट, जैसे कि आप देख रहे हैं इस प्लांट के बीच में मैं एक पिंक सिंगोनियम रखी हूँ। फिर इसके बाद ये प्लांट है, ये भी काफी फ्लावरिंग करता है, काफी अच्छा लीव निकाला है अभी। फिर इधर एक खजूर पाम है, फिर एक केनार का प्लांट है, अब इसमें कली ले रहा है। इधर थोड़ा 11 बजे धूप आता है फ्रेंड, 2-3 घंटे का, तो कुछ फ्लावरिंग वाला प्लांट मैं इधर रखी हूँ। ये चंपा का है ताकि इनको कुछ धूप लग जाए। ये देखिए डिफेंडेकिया का है, इन सबों में भी मैं कुछ मंचिंग करके रख रही हूँ ताकि धूप से ये प्लांट बच पाए। इधर मेरा एक शायकेस का है, ये भी काफी दिनों से मेरे गार्डन में चल रहे हैं फ्रेंड्स और अच्छा रिस्पांस है। इधर ये फायकेस का है, ये मैं टोपियारी बनाई हूँ फायकेस के, आप जैसा देख रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखें आप, एक ये है, इधर भी फायकेस का ही एक वैरायटी है। इधर आप देखें बेला का है, ये है फाइकस फैमिली का है, लेकिन इसमें फ्लावर होता है फ्रेंड्स, लाइट पर्पल कलर का इसमें फ्लावर आता है। इधर रेन लिली कौन है, इधर एक मनी प्लांट का है, ये मैं एरोकेरिया का प्लांट था फ्रेंड्स, ये काफी बड़ा था, यहाँ से मैं तोड़ दी हूँ सूखने के बाद, तो ये अपना दूसरा ब्रांच यहाँ से निकाला है। और ये एक इधर मोरपंखी है, ये भी काफी खूबसूरत लग रहे हैं, मोरपंखी का ही प्लांट है फ्रेंड्स। इधर एक फिर डिफेंडेकिया, इधर एक मनी प्लांट है, अच्छा ग्रो करने लगे हैं अभी, न्यू लीव ले रहा है। मैं ये घर पर ही बनाई थी फ्रेंड्स, कूलर का जो निकला था खास, उसी को लपेट के ट्यूबलाइट के रॉड में ताकि ये लंबा स्टिक बन पाए और अच्छा से ये ग्रो कर रहे हैं, चारों तरफ फैल जाएंगे तो काफी खूबसूरत लगेगा। ये कुछ बाउंड्री वॉल पे रखी हूँ बचाव के लिए। मेरे बगल वाले प्लांट में केला लगा है फ्रेंड्स, तो उसका छांव से ये कुछ बचे हुए हैं। ये कछुआ है, इसमें भी मैं मनी प्लांट लगाई हूँ। इधर ये है अवर्थिया का है, मैं पूरा ट्रे भरा हुआ है फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं। इसमें भी फ्लावरिंग होता है, काफी खूबसूरत तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन आप देखें इसमें भी फ्लावर है पूरा भरा हुआ। दूसरी तरफ भी देख लेते हैं फ्रेंड्स इनका क्या लुक है। एक ये वुडन पाम है फ्रेंड्स, इसमें न्यू लीव निकल रहा है हर तरफ से, देखें ये सब निकाल रहा है तो ये और बुशी बन जाएगा। और एक ये इधर मेरा फर्न की वैरायटी है, यहाँ एक लेडी पाम रखा हुआ है। हर बड़े प्लांट के बीच में मैं छोटा छोटा रखी हूँ ताकि इनको धूप से बचाव हो पाए। अभी मैं डेकोरेशन नहीं कर पा रही हूँ फ्रेंड, सिर्फ प्लांट को बचा रही हूँ। ये रिबन ग्रास है, ये इसको अभी एक हफ्ता पहले 3 पैक में था, उसको मैं एक पॉट दी हूँ। और इधर कूलर है फ्रेंड्स, इसके नीचे मैं एक लगाई थी बिल्ली वाला पॉट, उसमें मनी प्लांट तो इनको मैं छाए में रखी हूँ, ये पूजा का था मेरे पास कलश, तो उसी में मैं सब मनी प्लांट को ग्रो करा दी हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे भी है, और ये मिलाकर के काफी खूबसूरत लुक दे रहे हैं फ्रेंड्स।
इधर आके देखते हैं फ्रेंड्स कि ये मेरे पास है, काफ़ी खूबसूरत फर्नीचर है। और एक मैं फाइकेस का टोपियारी बनाई हूँ, इसको अब कटिंग करना पड़ेगा। फिर बहुत तेज़ी से ग्रो करता है फ्रेंड्स। इसके ऊपर देखें ये बॉल नुमा बना हुआ है, और फिर से इनकी छटाई ज़रूरी है। ये देखें फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा बढ़ रहा है जिससे लुक इसका। और ये इधर देखें, इसके नीचे ये गुलिमा है। हम तो सोचे फ्रेंड कि ये मेरा सूख जाएगा। मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो काफ़ी डस्टिंग था इस पर, लेकिन अब ये अपना न्यू लीफ निकाल रहे हैं। इधर इनको देखिए, काफ़ी काफ़ी खूबसूरत है। ये डिफेंडेकिया का दूसरी वेराइटी है। इधर भी एक ये गुलिमा है, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। इसमें भी पहले वाला लीफ काफ़ी निकल गया है, अभी न्यू न्यू लीव ले रहे हैं। देख रहे हैं कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। एक मेरा फाइकेस का एक और लंबी वाली टोपियारी है, ये भी काफ़ी खूबसूरत है फ्रेंड्स। काफ़ी ग्रीनरी मेरे गार्डन में ऐड कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। तो ये एक पार्ट था मेरे गार्डन का नीचे का, और ये मेरे बरामदे में है। एक एगोलिमा का ही वेराइटी है जो बड़ा है फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। एक मेरा स्नेक प्लांट है, इसमें मैं दोनों लगाई हूँ फ्रेंड्स, ये छोटा वाला और ये लॉन्ग वाला, दोनों मिलाकर मैं लगाई हूँ। ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ये दोनों साथ में है। इधर किसी तरह अपने प्लांट को बचा रही हूँ फ्रेंड्स। और एक यहाँ पे रिबन ग्रास है, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये फ्रेंड्स मैं एक बनाई हूँ, इसमें कुछ भगवान को रखूँगी। और ये इसी में मैं मनी प्लांट और ये ग्रास लगाई हूँ, ये भी काफ़ी खूबसूरत लुक दे रहा है। मैं भी इन दोनों को एक जगह रख दी हूँ, किसी तरह बचे रहें। और एक ये मेरा स्नेक प्लांट का है। तो इस तरह से मेरा नीचे का एक तरफ का प्लांट का ओवर है फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये गार्डन पसंद आया हो, ओवरव्यू मेरा अच्छा लगा हो। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, दूर से एक नज़र डालें ये प्लांट पे। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का मैं ये वीडियो बंद करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय।